Hello friends, now I am going to explain here types of muscle cells. Student, muscle cells are of the muscle tissue are of three types: striated muscle, unstriated muscle, and cardiac muscle. Striated muscle, unstriated muscle, and cardiac muscle, these are the three basic type of the muscle. Strength, body ke andar jo first muscle hai wo hai striated muscle. Striated muscle kya hoti hai? Hamare body ke jo voluntary muscles hoti hai unhi ko striated muscle kaha jata hai. Ab inhe voluntary muscle kyun kehte hain? Kyunki ye hamare will ke according work karte hain. Jaise hum ichcha kare waise work karenge. Jaise ye limbs hai, hand, जब चाहे तो हम इसको अप करें, जब चाहे डाउन करें, फिंगर को जब चाहे हम मूव कराएं, लिम्स से जब चाहे हम इसे मूव कराएं, जैसा हम चाहे उसी डायरेक्शन मूव करेगा. तो कह सकते हैं कि वो मसल जो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं वो वॉलंटरी मसल्स कहलाती है. स्ट्रेंथ, ये मसल स्केलेटल मसल भी कहलाती है बिकॉज देयर मस्कुलर बंडल आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय टेंडन. टेंडन के द्वारा हमारे बोन से ये मसल हमेशा अटैच रहते हैं, इसीलिए इन्हें स्केलेटल मसल कहा जाता है. नेक्स्ट है स्ट्रेट, दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेट मसल. इन्हें हम स्ट्रेट मसल भी कहते हैं बिकॉज दे कंसिस्ट लाइट एंड येलो बैंड, क्योंकि इसमें लाइट और येलो बैंड होते हैं, इसलिए इसे हम स्ट्रेट मसल कहते हैं. स्ट्रेट. नेक्स्ट है कि ये मसल कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में बेटा पाई जाती है. तो हमारी बॉडी के जो फेस है, फेस, इस फेस में यही स्ट्रेट मसल होती है. नेक, गर्दन, लिप्स, जो हमारे हाइंड लिप और फोर लिप्स हैं, ये दी जाता फोर लिप्स एंड दी जाता हाइंड लिप्स. तो फोर लिप्स और हाइंड लिप्स दोनों में स्ट्रेटेड मसल्स ही होते हैं. डायाफ्राम, ये डायाफ्राम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को पार्टिसिपेट करता है, मतलब कहने का मतलब सेपरेट करता है, उसी मस्कुलर सीट को डायाफ्राम कहते हैं, जो ब्रीदिंग में मूवमेंट में हेल्प करता है. स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल, नाउ वी डिस्कस हियर स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल. मसल सेल कैसी होती है दिखने में, इसका शेप कैसा होता है स्ट्रेंथ? तो मसल सेल जो है सिलैंड्रिकल इन शेप में होती है. ये चारों तरफ से सार्कोलेमा मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, इसे सार्कोलेमा कहा जाता है. इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, दिस इज कॉल्ड द सार्कोप्लाज्म, ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है. नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, इसमें बहुत सारे फाइब्रिल्स होते हैं जिसे मायोफाइब्रिल कहा जाता है. और इस मसल में अगर हम देखें तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहा जाता है. स्ट्रेंथ, दिस मसल सेल कंसिस्ट टू बैंड, वन डार्क बैंड एंड वन लाइट बैंड. दिस इज द रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द डार्क बैंड और दिस इज द लाइट बैंड. तो दो डार्क बैंड के बीच में एक लाइट बैंड प्रेजेंट होता है. तो स्ट्रेंथ वी कैन से दैट ईच मसल सेल इज सिलैंड्रिकल इन शेप, दे आर सराउंडेड बाय सार्कोलेमा, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड और दे कैन टाइट. ये थक भी जाती है क्योंकि इनके अंदर जब ऑक्सीजन कमी होती है तो लैक्टो फर्मेंटेशन प्रोसेस होने लगता है, जिससे लैक्टिक एसिड के अंदर खट्टा हो जाता है, इसकी वजह से ये टाइट हो जाते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट, इनका फंक्शन क्या है, क्या रोल प्ले करते हैं ये? तो वेरी सिंपल आंसर, दे हेल्प इन वॉलंटरी मूवमेंट. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी विल पावर के अकॉर्डिंग हमारी विल के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होते हैं वो वॉलंटरी मूवमेंट कहलाते हैं. वॉलंटरी मूवमेंट में मसल सेल ही हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है, दे हेल्प इन लोकोमोशन. जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो
समय हमारी कौन सी मसल हेल्प करती है? स्ट्रेटेड मसल। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट, जब हम कोई फूड को इंजेस्ट करते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो बॉडी में फूड को टेक करना इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द इंजेशन। और हमारी बॉडी में जो फूड इंजेस्ट होता है वो मसल हेल्प करती है, वो है स्ट्रेटेड मसल। और हमारे जो टंग मूव करती है, चाहे बात करें या खाना खाए, तो हमारे जो टंग का मूवमेंट है, इस मूवमेंट में भी स्ट्रेटेड मसल ही हेल्प करते हैं। Thank you for watching this lecture. I hope that